हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस टॉपिक। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ और लॉस का अर्थ होता है हानि। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ और लॉस का अर्थ होता है हानि। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये लाभ और हानि कैसे ज्ञात की जाती है, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर ज्ञात की जाती है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे अपन ने कोई सामान खरीदा हो। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, मतलब अपन ने रुपये दिए और अपन ने रुपये के बदले सामान लिया, उसको क्या होते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, मतलब अपन ने जो सामान खरीदा तो किसी दुकानदार के पास से खरीदा होगा, तो दुकानदार जो अपने को सामान दे रहा है उस दुकानदार के लिए वो जो अपने पास से जो मूल्य लेगा वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। मतलब अपन ने किसी सामान को कितने रुपए के अंदर बेचा। ठीक है, अब लाभ, लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। वो कैसे होगा, तो पहले लिखेंगे अपन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि क्या होता है, हानि कैसे याद करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि तभी तो होगी जब अपन ने सामान अधिक रुपए में खरीदा और अपने कम रुपए के अंदर बेच दिया। जैसे अपन ने एक आम खरीदा 15 रुपए का, लेकिन अपन ने उसको बेच दिया 10 रुपए का एक आम, तो अपने क्या हुआ, 5 रुपए की हानि हुई। ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या कहते हैं इसको, अपन होते हैं इसके अंदर एक टॉपिक और होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। वो कैसे कहते हैं, हानि प्रतिशत, इसको पहले मैं रफ करता हूं फिर इसके आगे दिखाएंगे आपको। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, अब पहले लिखेंगे अपन लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है, पहले तो ऊपर लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को अपन कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो सीपी लिख देंगे यहाँ पे, इंटू प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। और हानि प्रतिशत बराबर, और हानि प्रतिशत है तो पहले ऊपर ऊपर लिखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 100% मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा हानि प्रतिशत के अंदर। ठीक है, अब ये होता है, ये तो अमाउंट के अंदर हो गया, लेकिन यदि अपन भाव के अंदर हो, मतलब इसके अंदर दो केस होते हैं, एक तो अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। अभी जो मैंने बताया वो होता है अमाउंट का केस। अब भाव का केस के अंदर क्या होता है, जैसे राम ने 10 आम, राम के 10 आम का क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो इसे कहते हैं भाव का केस। इसमें क्या होता है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं, वो क्या होते हैं, वो विक्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। तो जैसे राम का क्रय मूल्य सीपी, अभी जैसे किशन बताया था अपन ने 10 आम, 10 आम का क्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस हुआ 15 आम। ठीक है, मतलब 10 कॉस्ट प्राइस तो हुआ 10 आम और सेलिंग प्राइस में उसने 15 आम बेच दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बाजार से 10 आम खरीद कर लाया कुछ रुपयों के अंदर, लेकिन वो जब उसको बेचा उन्हीं रुपयों के अंदर तो 15 आम बेच दिया, मतलब उसने 5 आम अपने घर से दे दिए, तो उसको क्या हुआ, 5 आम की हानि हो गई। तो अपन इसको क्या करेंगे, हानि निकालेंगे, हानि प्रतिशत, तो अपन करेंगे 5 बटा। अब भाव के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य नहीं लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 15 है, इंटू 100% में क्या करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और कटेगा 5 से 15 पूरे हो जाएगा 33 1/3%।
33.1/3% की हानि हुई। ठीक है, अब ऐसे अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले पहले मैं इसको रब करता हूं। क्वेश्चन है, राम ने 100 रुपए में एक कॉक की बोतल खरीदी। गर्मी का मौसम है तो ठंडी चीज भी नहीं पड़ती है। खरीदी और 120 रुपए में राजेश को भेज दी। मतलब रास्ते में जा रहा होगा दुकान से खरीद के, और रास्ते में मिल गया उसको राजेश। उसको भी गर्मी लग रही थी तो उसने क्या है कि ये मेरे को दे दे। उसने क्या किया, राम ने राजेश को 120 रुपए के अंदर भेज दी। 100 रुपए में तो खरीदा और 120 रुपए में भेज दी। मतलब चालाक था तो उसने 20 रुपए पत्ते ले लिए, अधिक ले लिए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या हुआ, राम को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अपने क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितने का हुआ, उसको क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। 120 माइनस 100 आ जाएगा 20 रुपए का लाभ। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी बराबर 120 माइनस 100 हो गया 20 रुपए। अब क्या करना, प्रतिशत में ज्ञात करना है अपने को कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर तो लिखेंगे 20 और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपए इंटू प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 20 से 20 खत्म, यह आ जाएगा 20%। मतलब राम को 20% का लाभ हुआ। तो चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपए में खरीदा और 49,000 रुपए में कैलाश को भेज दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अब उसको क्या हुआ, रमेश को क्या हुआ, 1,000 रुपए का लॉस हुआ। मतलब उसने 50,000 रुपए में खरीदा लेकिन कैलाश ने कहा कि 1,000 रुपए कम ले ले, तो उसने भेज दिया 49,000 के अंदर। तो उसको क्या हुआ, 1,000 रुपए की हानि हुई। तो अपने को क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि को ऊपर लिखेंगे। मतलब कितने की हानि हुई, 1,000 की हानि हुई। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, वो आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 50,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और ये 5 2 10, तो मतलब 2% की हानि हुई। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर आएगा 2%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।